हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। अभी मॉर्निंग के बजे हैं 5:15। ये देखिए हमारी घड़ी तो 10 मिनट पहले आगे भी है। तो मैं नहा ली हूँ और ये देखिए मैंने ब्लाउज दूसरा वेयर करा है, बिकॉज मैं इसकी साड़ी पहनने वाली हूँ जो कि मैंने अभी रिसेंटली परचेस करी है। वही मैंने फेस पर कुछ भी अप्लाई नहीं करा है अब तक, हेयर वॉश करे हैं और काम मेरा सारा फिनिश हो चुका है। मॉर्निंग के 5 बजे है अभी और मेरा काम जो है ना वो सारा का सारा फिनिश हो चुका है। तो मैंने दिया बाती भी कर ली है ये देखिए, और यहाँ पर खुशी का पानी लगा हुआ है। सब नहा चुके हैं, बस खुशी बाकी है। अभी अभी उठी है, उसे मैंने उठाया तो मैंने अभी पोछा लगाया ना, इस वजह से वो चेयर ऊपर पड़ी है और उसका गद्दा जो है वो पीछे है। अभी लाऊंगी मैं, उस पर खुशी सोई है तो मैंने सोचा पहले गुड मॉर्निंग बोल दूँ। आज हम जा रहे हैं चंदनपुरी। तो मेरी बहन जो है ना उसने गाड़ी करी है और वो हमें ले जा रही है घूमने के लिए चंदनपुरी। तो चलिए चलेंगे साथ में। ओके बाय बाय, मिलते हैं वहाँ पर या तो फिर यहाँ पर। मैं करूँगी कभी, अभी शूट करूँगी या तो रास्ते में करूँगी। ओके चलो। हेयर अभी पूरी तरह से ड्राई नहीं हुए हैं, इनको मैं ड्राई कर लेती हूँ। ये देखो, चलिए रेडी हो चुके। मॉर्निंग में 6 बजे जाना था और अभी 8 बज चुके हैं, फिर भी हम निकले नहीं हैं अब तक। ये देखिए मैंने ये वाले सिल्वर कलर की नेल पेंट लगाई है, ब्लैक कलर की साड़ी वेयर करी है वैसे मैंने। और खुशी यहाँ पर लुक उसका नहीं गुनगुला यार। तो खुशी देखिए यहाँ पर, ये है खुशी एंड ये में। तो अभी तक निकले नहीं है भाई, गाड़ी नहीं आई। ये हम हैं और हमारी गाड़ी है और हम अभी जा रहे हैं। चलो मांग नकली सोना चाहिए गोल्ड चेन। आजकल लाल लाल दिस रहते हो गई तैयारी। चलो मैं शूज घाते आज डाक दोस्त लाग लेना। तो हम गाड़ी में बैठ चुके हैं और गाड़ी हमने प्राइवेट ही करी थी। ये बहन की बेटी है, मेरी मम्मी है और मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, गाड़ी पूरी भरी हुई है। ये देखिए क्रूजर करी थी हमने, जीजू मेरे बहन हम सब बैठे हैं आगे भी, सारी गाड़ी फुल थी। तो हम ना इतना ज़्यादा परेशान हो गए क्योंकि बिल्कुल भी जगह नहीं थी। मतलब खंडेराव भगवान जो है ना, जिसका यहाँ पर मंदिर है उन्हीं भगवान का यहाँ पर यह मेला लगा हुआ था। तो मेला इतना ज़्यादा था और ये जो मानता बोलते हैं ना, मतलब कि मन्नत, तो मन्नत वाले लोग भी इतने ज़्यादा थे ना कि हमारा तो बिल्कुल भी नंबर नहीं लगा भाई। वहाँ जहाँ हम रुके थे वहाँ से हमें निकाल दिया, बोलने लगे कि ये जगह बुकिंग है, आप यहाँ से निकल जाओ। फिर हमने क्या करा, हमने गाड़ी में सामान दोबारा से भरा एंड एक पेट्रोल पम्प था, उसके बाजू में एक चाइनीज का शॉप था जो कि बंद था, मतलब शाम में चालू होता होगा। तो वहाँ पर जाके हमने फिर हमारा जो डेरा है वो डाल दिया। तो बस यहाँ पे मैं अभी बना रही हूँ मटन की सब्ज़ी। तो हमारा ज़्यादा मतलब वो बकरे वकरे काटते हैं ना वो वाला कार्यक्रम नहीं था, तो छोटा मोटा सा मन्नत थी मेरी बहन की, छोटी सी मन्नत थी तो वही पूरी करने के लिए आए थे हम। तो ये देखिए हम जितने मतलब हम 13-14 लोग थे तो उतने लोगों के लिए मैंने ये मटन की सब्ज़ी बनाई है। और सब्ज़ी इतनी सॉलिड बनी थी ना, देख ही आप लोगों को पता चल रहा होगा कि कितनी सॉलिड थी और इतनी स्वादिष्ट थी ना। मतलब खाने के बाद सभी तो मेरा नाम ही निकाल रहे थे कि बहुत अच्छी बनी। तो ये देखिए यहाँ पर मैं बना रही थी और हमने ना वो भजिया वगैरह भी बनाते हैं ना नैवेद्य के लिए, मतलब मीठा लगता है पूरन पूली वगैरह। तो भजिया बनाने के टाइम में ना वो तवा नहीं था, मीन्स की कढ़ाई वगैरह नहीं थी, तो मैंने क्या करा कुकर में ही थोड़ा सा ऑयल डाल दिया और उसी के अंदर मैं भजिया निकाल रही थी। और प्लस उसके साथ मतलब कढ़ाई तो नई थी बट वो जो झारा नहीं आता, ये कलछी बोलते हैं ना उसे, तो वो भी नहीं था। तो मेरे हाथ में इतने ज़्यादा ये लग गए थे ना, मतलब जहाँ देखो वहाँ मुझे ना गैस का और कुकर का ये लग गया था, मतलब जल गया था। तो ये देखिए यहाँ पर अभी ये जा रहे हैं
और यहाँ पे जो पूजा वगैरह करते हैं ना वही वाली, ये देखिए नैवेद्य, अभी पूरन पोली का नैवेद्य जा रहा है, मतलब मीठा नैवेद्य पहले जाएगा, पूरन पोली, खीर, कुरडई और रसा भात वगैरह जो कुछ लगता है वो सब कुछ, तो ये पहले नैवेद्य चला जाएगा। उसके बाद फिर जो तीखा वाला है ना, मीन्स की जो हमने अभी सब्जी वगैरह बनाई वो वाला नैवेद्य भी जाएगा। तो ये देखिए सब्जी रेडी है, मैंने बंद कर दिया था, आप लोगों को इसका पूरा लुक दिखा रही थी। तो अभी पूजा शुरू हो चुकी है, तो ये देखिए नैवेद्य देने के बाद फिर आए थे घर पर, और घर पर आने के सॉरी घर पर नहीं, हम जहाँ रुके थे वहाँ पर, और वहाँ पर फिर ये पूजा वगैरह चल रही थी। तो दादाजी तो पूजा वगैरह हो चुकी है, ये देखिए यहाँ पर आप देख ही सकते हो, ये मेरी बहन और उसके बगल में जो बैठे हैं मेरे जीजू है, और यहाँ पर वो जो महाराज जी थे ना, वो क्या बोलते हैं भाई उनको, अभी मुझे पता नहीं उनको क्या बोलते हैं, उनको कुछ अलग ही बोलते हैं, तो वो जो बोल रहे थे ना वैसे करने के लिए मेरी बहन को, तो उसी काइंड ऑफ से वो कर रही थी। ये जो हल्दी है ना इसे भंडारा बोलते हैं, तो वो बोल रहे थे कि इसे ज़ोर से ऊपर उड़ाओ, तो ये देखिए वो बोल रहे थे ज़्यादा लो और ज़्यादा उड़ाओ, तो उसी तरह से यहाँ पर चल रहा था, जैसे मतलब रीति रिवाज जो होता है ना उसी काइंड। और इसे ना तई भरना बोलते हैं, तई भरना मुझे अभी याद आ गया तो मैं बता दूँ, तो उसकी मन्नत थी कि वो चंदनपुरी आके ये तई भरने का काम कर लेगी, मतलब उसकी मन्नत यही थी। तो बस छोटा सा हमारे ही फैमिली के हैं, बाकी ज़्यादा कोई है नहीं, हमारे ही फैमिली के थे बस। वगैरह सब जो मतलब सब जो आदमी थे ना उनको सभी को मैंने पहले बिठा दिया था, और उसके बाद फिर हम बैठे थे, मैं, मेरी बहन, मेरी बहन की बेटियाँ, मेरी मम्मी नहीं खाती है, तो उन्होंने पूरन पोली का जो नैवेद्य बनाया था ना वो खा लिया था उन्होंने। और ये देखिए यहाँ पर निकिता, कविता, मयूरी, हम सभी बैठे हैं खाना खाने के लिए। फिर उसके बाद हम घूमने गए थे, मैं पहले दर्शन करने के लिए नहीं गई थी, बिकॉज़ तब मुझे खाना बनाना था और लेट भी हो रहा था, बहुत ज़्यादा लेट भी हो गया था हमें। हमने खाना पता है 4 से 5 के बीच में खाया होगा शायद से,
तो ये देखिए हम मंदिर की तरफ जा रहे थे और बड़ा अच्छा मंदिर है। और मैं यहाँ पर दो बार आ चुकी हूँ। पहली बार ना जब कविता की शादी हुई थी, मेरे बगल में जो गाड़ी में बैठे थे ना उसका नाम कविता है, तो उसकी जब शादी हुई थी ना तब मेरी बहन ने तब भी मतलब पहली बार उसने शादी के पहली बार उसने गाड़ी करी थी, तब भी हम आए थे। और अभी जो आए हैं ये नेक्स्ट वारी है, और तभी मैं मेरी बहन के साथ ही आई थी पहली बार, और अभी नेक्स्ट वारी भी ना उन्हीं के साथ आई हूँ। तो ये देखिए मेरी बहन ने लाया है हमें, हमने आए खुद से। तो मेरे हस्बैंड जी ने नहीं देखा था ये मंदिर, वो बोल रहे थे तू एक बार जा चुकी है, अभी इस बारी मुझे भी आना है। तो वो भी आए थे, पहली बार वो नहीं आए थे क्योंकि उनको थोड़ा काम था। ये देखिए मंदिर के अंदर चले गए, और कविता ने इतने ज़ोर से भंडारा उड़ाया ना मेरी आँख में चला गया था, तो वो जो हल्दी होती है ना उसे भंडारा बोलते हैं यहाँ पर। तो ये देखिए खंडोबा महाराज का दर्शन कर लीजिए आप भी, लाइव दर्शन है। ये देखिए मोबाइल मतलब बहुत ज़्यादा इतनी भीड़ थी, फिर भी जैसे तैसे करके मैंने निकाल ही लिया। भाई इतना रिस्क लेते हैं आपके लिए तो इतना तो बनता है कि आप लाइक कर दो, शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद फिर हम आ गए थे बानाई माता के मंदिर, उसी के उस मंदिर के थोड़े से ही दूर था। तो ये देखिए यहाँ पर आ गए थे, और उसके बाद मैं चप्पल वगैरह निकाली और नमस्कार करते हुए हम आगे बढ़े। तो ये देखिए यहाँ पर भी एक मंदिर था बानाई माता का, यहाँ पर भी हमने नमस्कार वगैरह करा। फिर हम निकले हमारी गाड़ी की तरफ, तो ये प्रवेश द्वार मैं आप लोगों को दिखा रही थी, और गाड़ी के पास में आए और ये गाड़ी मुझसे खुल नहीं रही थी, इसके अंदर सारे लोग बैठे थे और हम जो है ना वो चले गए थे चाय पीने के लिए। तो ये देखिए हमारा जो जमाई सा है ना उन्होंने खोल दिया था, मेरी बहन का जमाई है तो मेरा भी जमाई ही होगा। तो मैं यहाँ पर देख रही थी ये देखिए कि मेरा जो अवतार है, मेरा जो हालत है वो कैसी हो गई है, तो देख रही थी मोबाइल के अंदर। और निकलते निकलते हमें शाम हो गई थी, 7 बज गए थे, बहुत देर हो गई थी घर पहुँचने में, बहुत ही ज़्यादा लेट हो गए थे हम, 9:30-10 बज गए होंगे शायद। तो बस आज का वीडियो यही तक का था, आई होप सो आप लोगों को पसंद आया होगा आज का वीडियो। पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय।